भाई बेनीवाल, दीपक बेनीवाल भाई, एक बार तो अपना सिस्टम बंद कर यार भाई, यार ना भाई सा इंटरव्यू लेवा मत यार, कमाल कर दियो था, ऐसे सुनने में आ रहा है अभी नहीं, ये बिल्कुल गलत। हेरे आंख से कटिली तेरी मार के गिरान की, अच्छी कोन्या बाण तेरी हंस कहने जान की, यो मैटर तू है कर दे सोल, मारेंगे तेरे मिठे मिठे बोल, मारेंगे तेरे मिठे मिठे बोल। राम राम जी, मैं हूँ आपका अपना एनडी दैया, और आज हमारे साथ है एनडी दैया जी। तो जो अभी आप ये सॉन्ग गा रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो ये सॉन्ग आपको कब रिलीज कर रहे हो? इस सॉन्ग को, इस सॉन्ग का नाम है मिठे मिठे बोल, और ये आएगा 18 फरवरी को सोनोटेक म्यूजिक पर। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये सॉन्ग, एक्चुअली मुझे वैसे तो सारे सॉन्ग पसंद है मेरे, लेकिन ये सॉन्ग मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि इसका वीडियो जो कंसेप्ट आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और कुछ डिफरेंट है, और आप डिफरेंट होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसमें एक्ट किया है मिस्टर विजय वर्मा जी ने, और इसको गाया है राज मावर जी ने, और लिखा है मैंने। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये, सोनोटेक म्यूजिक पर आएगा 18 फरवरी को आएगा। और तो आप ये इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग लिख लेते हो, जो क्या खाते हो? सर मैं विकासुल कैप्सूल खाता हूँ यार, गाड़ा लिखने खातर कि मैं अगर नु खाए थे कि मैं लिखा जाओ है तो सब नहीं खा लेगा, दुनिया खा ले मेरे सारे काम देने छोड़कर, फिर तो कैप्सूल खा हमारा गाने लिखा लोग कुछ नहीं है। देखिए मैं बताऊँ आपको भाई, सॉन्ग ऐसे नहीं लिखे जाते भी, कोई हम कुछ चीज़ खाएं स्पेशल कुछ चीज़ हो ऐसा, सिर्फ माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है तो, और किसी किसी बंदे पर होता है। सही बात है। हाँ, तो और अभी जो आपका सॉन्ग आया था गुनेगार, वो भी बहुत हिट चल रहा है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो उसकी। हाँ, और मैं सारे दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से, क्योंकि सच में आप लोग उस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, गुनेगार सॉन्ग को, बहुत अच्छा चल रहा है वो गुनेगार सॉन्ग, और के डी भाई का, राजू पंजाबी जी का, और विजय वर्मा जी का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन सभी कलाकारों ने उस सॉन्ग में इतनी मेहनत करी और आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया। और अभी जो 2019 के अंदर सुनने में आई थी कि जो सभी की जोड़ी है टूट चुकी है, एमडी केडी की लगा लो, राजू पंजाबी की लगा लो, तो अभी सुनने में आ रहा है कि आपकी विजय वर्मा के साथ जोड़ी टूट चुकी है। भाई बेनीवाल, दीपक बेनीवाल, दीपक भाई एक बार तो अपना सिस्टम बंद कर यार भाई, यार ना भाई सा इंटरव्यू लेवा मत यार, कमाल कर दिया, ऐसे सुनने में आ रहा है अभी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात आपकी, पहली बात तो एमडी केडी भाई की और राजू पंजाबी की या राज मावर की किसी भी कलाकार की जोड़ी टूटी है, सिर्फ अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। कहीं एक बात का जवाब दे, एक बाप के अगर चार बेटे होते हैं ना, एक न एक दिन वो चारों अलग अलग हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है उन सब की बन नहीं रही, आज भी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से वही प्यार प्रेम है, बस काम अलग अलग कर लिए सभी ने। तो अभी आपका भी विजय वर्मा के साथ ऐसा कुछ सीन? कभी भी नहीं हो सकता, कदे नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा सुनने में आ रही है, मतलब मैंने गलत सुन लिया अभी, अरे सुने या कदे सपने में भी नहीं सोच सकता यार मैं तो, अरे ना कदे हो सकता। तो अभी आप एक बार विजय वर्मा के पास कॉल कर सकते हो? अरे दिन में मेरे यार, दिन में मेरी बात सुना, अगर मेरे तो रसो फोन आवा है ना तो 98 लगा के ताल, मैं विजय वर्मा के पास फोन करूंगा, लूंगा तो मेरे तो इतने फोन आए। तो अभी आप लाइव में कर सकते हो फोन विजय वर्मा के पास? तो सको, लेकिन मेरा क्या काम लग रहा है, मन कर जिम जामो हो चाहे कितने हो, ना कोई दिक्कत नहीं है, कॉल उठाए तो बढ़िया, ना उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख कहीं पर मौके पर बेइज्जती हो जा कर रहा है। हेलो दादा, राम राम। राम राम, क्या लैंडी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैंने कहा था मेरा इंटरव्यू चल रहा है और मीठे मीठे बोल का सॉन्ग का प्रमोशन, ना 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 चैनल पर चल रहा था, इतना बड़ा कलाकार के था आपका बेटा। अरे नहीं नहीं कलाकार तो बड़ा है, तू क्या कर रहा है? मतलब इंटरव्यू है भाई, दीपक बेनीवाल है वो, उसका यूट्यूब चैनल है और वो इंटरव्यू लेने लग रहा है। मैं सोनोटेक में इंटरव्यू लिया था दीपक भाई ने। हाँ हाँ वही मैं सोनोटेक में आया था, मैं गाने लिखने खातर। अच्छा अच्छा, तो सोनोटेक में हम तो भाई वहीं पर पहुंच गया। अच्छा अच्छा, भाई दीपक है कि उल्टा उल्टा पुल्टा सवाल करना है, है। के? विजय वर्मा की रैंडी दिया कि जोड़ी टूट गई। हाँ जी सर, सर ये ऐसा सुनने में आया था तभी, बस मैंने पूछा था एंडी दैया जी भड़क गए थे तो मैंने बोल दिया एक बार आप कॉल करके दिखा दो यदि आपकी ऐसी जोड़ी, कोई बात नहीं है भाई हम तो एक दूसरे के साथ बुढ़ापे में भी खेला रहे होंगे मेरे यार, हम तो 30 दिन हुआ महीने में, 25 दिन तो इकट्ठे रहे हम दोनों मेरे यार। तो ऐसी जो ये अफवाह फैल रही है वैसी है कोई?
बस वह बता वो आप तो वैसे किसी ने कह दी किसी कलाकार साथी ना तो कहीं नहीं होगी, क्योंकि कलाकार तो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं सभी कलाकारों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये तो आप तो वैसे किसी ने कह दी किसी बंदे ने। तो अभी तक 2020 में आपके कौन कौन से सॉन्ग आए हैं भाई? सॉन्ग जो भी आए हैं वो सारे अच्छे आए हैं और हिट चल रहे हैं अभी। एक तो जैसे गुनागार सॉन्ग आ, गुनेगार बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ जी। और एक मेरा था सासू ने ले गए चोर लठ, एक शॉपिंग आया था, एक तोड़ कर ले, एक ज्ञान का गाड़ा, काफ़ी सॉन्ग आ रहे हैं और सभी अच्छे चल रहे हैं 2020 के अंदर अंदर इतने सॉन्ग आ गए। हाँ 2020 में मेरे जनवरी के महीने में 9 सॉन्ग आए थे मेरे, और अभी फरवरी में भी 2 सॉन्ग आ लिए। एक ये मीठे मीठे बोल आएगा अभी 18 तारीख को। यदि आपकी स्टडी में बात करें तो आपने स्टडी कहाँ तक कर रखी है? स्टडी तो मैंने बहुत कम करी है, बहुत कम कर रखी है। हाँ, प्लस टू में कंपार्ट है मेरे, दो पेपर में कंपार्ट है। हाँ वो टूटी नहीं अभी तक भी, और ना मैं तोड़ूंगा अब तो, क्योंकि अब तो प्रोफेशन ही अलग हो गया, अब तो पढ़ाई से कुछ लेना भी नहीं होना। तो आपने स्टडी वगैरह भी जो स्कूल स्टडी है वो भी सारी गाँव से की होगी? हाँ गाँव से की थी मैंने, सरकारी स्कूल से। आप ज़्यादातर विजय वर्मा के साथ रहते हैं, विजय वर्मा जी फिट हैं लेकिन आप फिट नहीं है, क्या कारण है? फिट हूँ मैं भी नहीं, विजय कड़ा मेरा कड़ा पेट पाठ है भाई, है पेट लेकिन बिल्कुल कम है, तो नाम मात्र है, इतना तो होना भी चाहिए। डोले सोले कम है विजय वर्मा से ना, कभी मैं आपका देखिए दोनों इकट्ठे करके ना। दीपक भाई ये तो बात मजाक की थी, लेकिन विजय वर्मा जी सच में बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, वो अपना पूरा ध्यान रखते हैं। हम शूटिंग पे होते हैं ना, जहाँ पे जिस लोकेशन पे होते हैं वो जिम ढूंढ लेते हैं, सबसे पहले जाते वो ये देखते हैं भाई आसपास में जिम कहाँ पे है, और अगर जिम ना मिले तो उनकी गाड़ी में दो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी, एक तो कपड़े, एक डंबल वगैरह, गाड़ी में डंबल रखते हैं वो। हाँ गाड़ी में रखते हैं, मेरे हिसाब से मैं 10-12 साल से उनके साथ हूँ, गाड़ी में उनके डंबल जरूर मिलेंगे, वो एक्सरसाइज जरूर करते हैं सुबह उठते ही। तो आप भी उनके साथ रहते हो, चलते चलते मार लिया करो? ना मैं देखो मैं बताऊँ, सबसे पहले तो कोई भी काम करते हैं ना उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए बंदे का, मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, फिर भी मैं उनके साथ हूँ इसलिए थोड़ा सा फिट हूँ, नहीं तो अब तक कतल भाई टाइप हो जाता। और आपने कभी आज तक किसी लड़की को प्रपोज किया है? आपने किसी को? आपके पास तो बहुत आए होंगे, आपने किसी को किया हो? ना मैंने ऐसा कुछ नहीं है भाई। यार दीपक कमाल है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने किसी लड़की था कोई प्रपोज नहीं करे भाई, कभी नहीं किया। प्रपोजल जरूर भेजा एक बंदे के पास, एक बार भेजा था, वो प्रपोज नहीं कर रहा था, मैंने प्रपोजल भेजा था एक गाने के लिए विजय वर्मा के पास, माँ जी गाना लिख रहा है क्या, मैंने करोगे, लेकिन भगवान ने मेरी ही सुनी सच में। उन्होंने वो ऑडियो पता है जब उन्होंने कहा ना ये तो बहुत अच्छी ऑडियो है और मुझे पसंद है, जब विजय वर्मा जी ने वो ऑडियो पसंद आई ना तो उस ऑडियो को फिर मैं बार बार सुनने लगा। मैंने अब तक प्रपोज तो नहीं किया किसी को, लेकिन प्रपोजल जरूर भेजा विजय वर्मा के लिए, और भगवान के दया से विजय वर्मा ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया था और वो सॉन्ग हमारे मार्केट में भी आया था। अच्छा जी, तो आपको जो डीजे सॉन्ग पसंद है या सैड सॉन्ग पसंद है? देख लिखता तो मैं ज़्यादा डीजे सॉन्ग ही हूँ और हिट मेरी डीजे सॉन्ग ही हैं, वैसे मुझे सैड सॉन्ग पसंद है, सैड सॉन्ग ज़्यादा पसंद है। तो इतना नाम होते हुए भी इतना सिंपल क्यों रहते हो आप? मतलब बिल्कुल जैसे आप आम आदमी हो, इतना आप स्टार बन चुके हो आज के टाइम पे। एक तो मैं स्टार मानता नहीं हूँ अपने आप को, ना ही मैं स्टार हूँ, और सिंपल बस इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे सिंपल रहना ही पसंद है, आम पब्लिक में ही ज़्यादातर रहना पसंद है। ना आप में 1% भी एटीट्यूड मेरे को लगा कहीं भी आपका एटीट्यूड एटीट्यूड किसका और किसके लिए और किन के सामने, इनके दर्शकों के बनाए हैं जो भी हैं आज। तो आपके जो आगे आने वाले सॉन्ग वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सॉन्ग मीठे मीठे बोल, जो 18 फरवरी को आएगा सोनोटेक म्यूजिक पर, सोनोटेक म्यूजिक पर आएगा मीठे मीठे बोल है। उसके बाद फिर एक सॉन्ग और है मेरा बहुत अच्छा सॉन्ग, वह भी रोड़ा देव कुमार देवा जी और अनु काजन जी के साथ है, एक मोहित शर्मा जी के साथ आएगा मेरा तेरे नाम, एक वादे सॉन्ग है, वादे है सैड सॉन्ग बहुत अच्छा है, मैं वादे सॉन्ग की दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी सुनाइए। वादे सॉन्ग की दो लाइनें ये है, एक दूसरे तक बात ना छुपाई थी कदे, सू झूठी होया साची रहना खाई थी कदे, एंडी दैया था ज़्यादा तना कौन जाने से, आप बीती तना बैठ के सुनाई ना कदे, एक और वादा करके मुकर जाना तू, या तो आ जा मेरे पास या तो मने तुम बुला ले, ना तो साफ साफ कह दे जाकर मर जाना तुम। वाह जी वाह वाह वाह, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद फिर जो दूसरा सैड सॉन्ग आएगा मेरा वो भी बहुत अच्छा है, मैंने लिख रखा है मोहित भाई ने गा रखा है, तो कई सॉन्ग आएंगे मार्केट में भी आप लोगों के सामने, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट भी है जैसे मेरे गुनहगार सॉन्ग को प्यार दिया ऐसे मीठे मीठे बोल को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना, और आने वाले मेरे सभी सॉन्ग को मेरे क्या हरियाणा के जितने भी सॉन्ग आते हैं आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। मतलब पूरा धुमठा होगी हरियाणा में? हाँ बिल्कुल लग रहा है, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते, बाकी पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है। तो आज आप यहाँ पे? हाँ सोनोटेक। हाँ जी सोनोटेक में कैसे है? और मैं ज़्यादातर सोनोटेक में पाया जाता हूँ, यहाँ भी मिलते हैं। हाँ क्योंकि ज़्यादातर सॉन्ग यहीं पे आते हैं विजय वर्मा जी के, और मैं विजय वर्मा जी के साथ ही हूँ, तो ज़्यादातर सॉन्ग सोनोटेक में आते हैं मेरे, इसलिए मैं ज़्यादातर सोनोटेक में पाया जाता हूँ।
तो ये थे हमारे साथ आज एंडी दैया जी। लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हो दर्शकों को? बिल्कुल जी, बस यही कहना चाहूँगा भाई, अपनी बहनों की, अपने मम्मी पापा की, माँ बाप की, लड़कियों की, सभी की इज्जत करें बहुत ज़्यादा। और हरियाणवी सॉन्ग जरूरी नहीं है, वो सॉन्ग एंडी दैया या विजय वर्मा या किसी भी कंपनी का हो, कोई भी हरियाणवी सॉन्ग हो, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई सभी सॉन्ग को देखें, कमेंट करें और सभी कलाकारों की इज्जत करें। राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा।